रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़े थे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन को देख लिया था. आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस में से एक गैस है और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको आज के लेक्चर के अंदर हम एक तो ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से मूव करती है और फिर हम ये देखेंगे कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है हमारे ब्लड के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो 20 ml/100 ml ऑफ ब्लड होती है. ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सकती है. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. ठीक है, इसे हम कहते हैं कि इट इज़ मोर सोल्युबल देन वॉट देन ऑक्सीजन. ठीक है, और ये जो इसकी सोल्युबिलिटी है ये ना सिर्फ ब्लड के अंदर बल्कि इसके अलावा जो टिश्यू फ्लूइड हमारे पास जो हमारे टिश्यूज़ या सेल्स के दरमियान में फ्लूइड पाया जाता है उसके अंदर भी ये ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो हम इसे भी लिख देते हैं कि इट कैन बी ईजिली डिजॉल्व फ्रीली इन टिश्यू फ्लूइड्स. ठीक है, टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है और क्या होता है कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर से डिजॉल्व होके ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, यहाँ से वापस ब्लड प्लाज्मा के अंदर. और ये कैसे जाते हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर, पहले तो ये एब्जॉर्ब होगा. ब्लड प्लाज्मा जो है ये कहाँ होगा, ये अब कैपिलरीज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, वहाँ पर ये जाके इस ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा या फिर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, अच्छा जब हम इसके ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब हमने कहा कि ये सोल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी ज़्यादा सोल्युबिलिटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफरेंट तरीक़ों से मूव हो सकती है या ट्रांसपोर्ट होती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर. ठीक है, जब हमने ऑक्सीजन की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास हीमोग्लोबिन एक कैरियर होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे बॉडी के अंदर मूव करती है. ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के मूव करने की या ट्रांसपोर्ट होने की के डिफरेंट तरीके हैं. ठीक है, एक से ज़्यादा तरीके हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पूरे बॉडी के अंदर से वापस लंग्स की तरफ आती है. ठीक है, पहला तरीका या पहली स्टेट जिसे हम कहते हैं वो ये है कि जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन मूव करती थी वो है कैरियर के थ्रू यानी कि हीमोग्लोबिन के थ्रू. ठीक है, तो तकरीबन 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे मूव करती है, वो विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन मूव करती है. ठीक है, 20% जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू. अच्छा, हीमोग्लोबिन के थ्रू किस तरह से करती है, हमने कहा था कि हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है हमारे पास वो कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या चीज़ है, इसके अंदर होता है ये कि जो प्रोटीन पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लेता है. ठीक है, तो हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, इसको हम HbCO2 भी लिखते हैं. ठीक है, Hb जो है वो हीमोग्लोबिन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो 20% हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो रही है या फिर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रही है. हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो ये एक तरीका है हीमोग्लोबिन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के मूव करने का. ठीक है, दूसरा एक और जो तरीका है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू मूव करना. ठीक है, तकरीबन हमारे पास 5% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स होता क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर लेती है और फिर ये वापस लंग्स तक पहुंचने के बाद वहां से सेपरेट हो जाती है, ठीक है, इनसे प्लाज्मा प्रोटीन से अलग हो जाती है। तो यू कैन से कि प्लाज्मा प्रोटीन्स भी यहां पे एक कैरियर का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास तरीका आता है कार्बन डाइऑक्साइड के मूव करने का, उसे हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ बायकार्बोनेट आयंस, ठीक है। तकरीबन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जो मूव होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वो विद द हेल्प ऑफ बाय कार्बोनेट आयंस होती है, बाय कार्बोनेट आयंस। ये बाय कार्बोनेट आयंस जो है वो किस तरह से इनके थ्रू मूव होती है, बाय कार्बोनेट आयंस जो है वो सोडियम के साथ हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना देती है, H2CO3। ये ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, क्या चीज़ है ये, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये स्प्लिट हो जाता है हमारे पास हाइड्रोजन आयंस के अंदर और बायकार्बोनेट आयंस के अंदर। अब ये जो बायकार्बोनेट आयंस हैं, ये बायोकार्बोनेट आयंस के थ्रू ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मूव करती है ब्लड के अंदर, और अल्टीमेटली जब ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं बायोकार्बोनेट आयंस, तो क्या होता है कि लंग्स में जाके वापस ये जो बायोकार्बोनेट, ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो रिवर्सिबल में क्या होगा कि ये रिएक्शन रिवर्स होगा, तो क्या होगा कि वापस ये जो बायोकार्बोनेट आयंस हैं ये कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ, बायोकार्बोनेट्स, और ये कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये दोबारा से स्प्लिट हो जाएगा इनटू व्हाट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये वापस स्प्लिट हो गया और फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी कि ईजिली डिफ्यूज़ हो जाएगी वापस जो एयर है उसके अंदर, यानी एल्वियोला के थ्रू ये वापस हमारी जो एयर एक्सहेल कर रहे हैं हम उसके अंदर चले जाएगी। तो ये एक तरीका हमने देख लिया बायकार्बोनेट आयंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के मूव करने का। एक और तरीका है हमारे पास फोर्थ वे, और वो हम कहते हैं वो है विद द हेल्प ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, सम स्मॉल अमाउंट या स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं कि वो कॉर्पसल्स, और ये वो कॉर्पसल्स हैं, कॉर्पसल्स या आप इसको सेल्स भी कह सकते हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये वो कॉर्पसल्स हैं जो कि कंबाइंड होते हैं पोटेशियम के साथ, कंबाइंड विद पोटेशियम ब्लड के अंदर, वो कॉर्पसल्स जो पोटेशियम के साथ कंबाइंड है इनके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ क्वांटिटी जो है वो मूव या ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो ये हमने देख लिया डिफरेंट तरीके किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के जो सेल्स एंड टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके वापस लंग्स तक किस तरह से पहुंचती है, ठीक है। ये तो हमने ट्रांसपोर्टेशन को देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक हम वेन्स और आर्टरीज, दो चीज़ें, ठीक है। आर्टरीज के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देखें तो तकरीबन हमारे पास आर्टीरियल जो ब्लड है उसके अंदर 50 ml डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है पर 100 ml की बात करें हम, ठीक है। 100 ml अगर हमारे पास ब्लड हो तो उसके अंदर 50 ml हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है, और ये कौन सा ब्लड है जो कि आर्टरीज के अंदर होता है। अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 54 ml जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब 54 ml अगर एब्जॉर्ब है वेन्स के अंदर और 50 ml है आर्टरीज के अंदर, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन पर 100 ml, 100 ml के अंदर से सिर्फ 4 ml जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास होती है, ठीक है। यानी कि टिश्यूज, जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं, टिश्यूज तक पहुँचते हैं ये जो ब्लड है, तो क्या होगा कि तकरीबन 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से ब्लड के अंदर आएगी, और इसी तरह जब ये ब्लड पहुंचेगा लंग्स के अंदर तो उनके अंदर भी पर 100 ml की जब हम बात करते हैं तो 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करेगी लंग्स के थ्रू या एल्वियोलाई के थ्रू बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, ठीक है।
अच्छा, तो अब यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लें कि ऑल्दो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो एब्जॉर्प्शन है वो तो ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से जो एक एक नुकसान होता है वो ये क्या, वो नुकसान ये होता है कि पर 100 ml जो हमारे पास एक्सचेंज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड वो कम हो जाती है, ठीक है। फोर, यहाँ पे हमने देख लिया कि 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होती है पर 100 ml, जबकि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में हमने क्या देखा था कि 20 ml जो है वो ऑक्सीजन हमारे पास एक्सचेंज हो जाती थी। तो यही वजह है कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी जो ऑक्सीजन की, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है तो इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हार्मफुल होती है तो वो हमारे बॉडी से बाहर इजीली मूव कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हमने ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि प्रेशर की वजह से अगर हमारे पास 100 mm प्रेशर होगा तो क्या होगा कि मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी, या जब हमने सी लेवल की बात की थी तब हमने कहा था कि सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सी लेवल पे मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी की एग्जाम्पल अगर हम एक देखें तो स्क्यूबा डाइवर्स के बारे में आप जानते होंगे। स्क्यूबा डाइवर्स क्या करते हैं कि सी के अंदर जो है खुद डाइव करते हैं और उनके साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं अपने साथ, एक तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन होती है वो उनको नॉर्मल प्रेशर पे नहीं मिल रही होती। जब भी स्कूबा ड्राइवर डाइवर डाइव करता है समंदर के अंदर, जो जो वो समंदर के अंदर नीचे जाता जाता है तो जो वाटर का प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता जाता है कि वो नॉर्मली अपने लंग्स को नॉर्मली यानी उनसे सांस नहीं ले सकता। इवन अगर उसके पास ऑक्सीजन या वहाँ पे एयर अवेलेबल भी हो तो वो नॉर्मल सांस नहीं ले सकता, उसको डिफरेंट प्रेशर का जो डिफरेंट प्रेशर की एयर वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है ताकि उसके जो लंग्स हैं वो इजीली एक्सपैंड कर सके, नॉर्मली एक्सपैंड कर सके। यही वजह है कि स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, जब वो ले जाते हैं तो अपने साथ प्रेशराइज्ड एयर लेके जाते हैं, यानी प्रेशराइज्ड एयर सिलेंडर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनको ग्रेटर प्रेशर वाली या ज़्यादा प्रेशर वाली एयर मिलती है और वो ईजिली समंदर के अंदर सांस ले सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने आज देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट को, कि वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे आके हमारा ये वाला टॉपिक एंड हो जाता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखेंगे ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की तो हम उसके अंदर थोड़े से डिसऑर्डर्स को या फिर डिजीजेस को भी देख लेंगे। एक दफ़ा ज़रा हम अपना पाथ देख लेते हैं। वैसे तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम को जानते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को जब सर्कुलेट कर रहा होता है तो ब्लड दो तरह का होता है हमारे पास। हम जानते हैं कि या तो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा या हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके पाथ को देख लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से ब्लड का या फिर ये जो ऑक्सीजन का, ये गैसेस का जो पाथ बनता है वो क्या बनता है। एक तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गेन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं लंग्स, ठीक है। इस बॉक्स से हम लंग्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और ऑर्गेन जिसे हम जानते हैं वो है हमारे पास हार्ट, दिल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ मटेरियल होता है जिसे, या हम उनको वेन्स या आर्टरीज का नाम भी देते हैं, ठीक है। बेसिकली वो नसें होती हैं हम जिनको अपने नॉर्मल जुबान में जानते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास वेन्स या आर्टरीज होती हैं, ठीक है। अब आर्टरीज क्या हैं, ये वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड से लेके जाती हैं चीज़ों को, सॉरी हार्ट से लेके जाती हैं जिसे हम कहते हैं अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। हार्ट से बाहर वापस जो चीज़ें लेके जा जो नसें हमारी लेके जाती हैं उसे हम कहते हैं, वो है हमारे पास आर्टरीज। और जो हार्ट की तरफ हमारे पास, इनको हम एरो से शो कर लेते हैं, जो हार्ट से दूर लेके जाते हैं उनको आर्टरीज बोलते हैं, और जो हार्ट की तरफ लेकर आते हैं उनको हम बोलते हैं वो हैं वेन्स, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसी तरह किसी एक बॉक्स से। वैसे तो हम कुछ इस किस्म के बॉक्स पाए तो नहीं जाते, बट अगर हम समझना चाह रहे हैं अपने पूरे इस सिस्टम को तो उसके लिए हम इस तरह के बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉक्स जो है वो बॉडी रिप्रेजेंट करें। अब होता क्या है कि हार्ट से जो है ब्लड
आता है और वो हमारे बॉडी तक आता है, ठीक है। और हार्ट जो, क्योंकि लंग्स भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है, तो यही आर्टरीज का एक हिस्सा जो है वो लंग्स तक भी जाएगा, ठीक है। इसी तरह वेंस जो हैं, अब हमने कहा कि वेंस जो हैं वो नसें हैं जो कि हार्ट तक ब्लड को लेके आती हैं, तो बॉडी से कुछ जो बॉडी का जो ब्लड होगा वो वापस हार्ट तक इन वेंस के थ्रू जाएगा। इसी तरह जो लंग्स हैं यहाँ से भी ब्लड जो है वो वापस वेंस के थ्रू हार्ट तक चला जाएगा। ये तो हमने ओवरऑल अपने एक सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको देख लिया। अब अगर हम अपने गैसियस एक्सचेंज की बात जब कम करते हैं या गैसेस की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अगर हम उसको देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंग्स की तरफ जो भी ब्लड आता है आर्टरीज के थ्रू, वो हम जानते हैं क्योंकि लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होना है, तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये जो ब्लड है ये हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। इसी तरह अब ये लंग्स के अंदर आता है तो क्या होता है कि लंग्स में यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, जिसमें होता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर के अंदर चल जाती है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है। तो ये जो वेंस हैं जो कि लेके जा रही हैं हमारे हार्ट तक ब्लड को, ये जिस ब्लड को लेके जा रही हैं उसे हम कहते हैं ये हमारे पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये जो हमारे पास आर्टरी आ रही है इसको हम पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये लंग्स की तरफ लेके आ रही है, और ये जो वेंस लंग्स से लेके जा रही हैं वापस ब्लड, इसको हम पल्मोनरी वेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब पल्मोनरी वेंस के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये आ गया हार्ट के अंदर। हार्ट ने फिर वापस पंप करना है ब्लड को, तो अब ये जो वापस पंप करेगा ब्लड जो कि पूरे बॉडी के अंदर जाएगा, वो कौन सा ब्लड होगा जो कि यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पे ये जो ब्लड मूव कर रहा है इसे हम कहते हैं कि ये है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ जा रहा है, बॉडी तक जा रहा है, बॉडी में आएगा। बॉडी में क्या है, बेसिकली बॉडी हमारे जो है वो सेल्स पे मुश्तमिल होती है, तो यहाँ पे बॉडी में सेल्स में जब हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स को मिल जाएगी। अब हीमोग्लोबिन हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होगा, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर लेगी हीमोग्लोबिन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो मूव करेगा वापस वेंस के थ्रू हमारे हार्ट तक, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन ये जो पार्ट है हमारा वेंस का, यहाँ पर हमारे पास वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो ये हमने देख लिया ओवरऑल अपने ब्लड का, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के एक फ्लो को या ट्रांसपोर्ट को जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कम्प्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर लेंगे।